सारा बहन राम राम। मैं सुनील थे देख रहे हो किसान फोकस चैनल। बालाजी स्टैंड के कने जगह बच्चों बिजली विभाग की लापरवाही के कारण अपना हाथ गवाया है भी बच्चे के घर आज झुंझुनू जिले का जगह चीफ इंजीनियर हाब पूछ रहा है। तो मां को कहना यो कि जगह दोषी ही जगह दोषी पाए जाऊंगा बाने सस्पेंड करे जाऊंगा। इंजीनियर साहब हूँ जब मीडिया का लोग पूछताछ करी कि संपूर्ण जीएसएस में एक भी आरटीआई कर्मचारी को नया है और निगम का लाखों रुपया वो चुनो लगा उनका लाग रहे हैं। जगह पर चीफ इंजीनियर साहब कही कि संपूर्ण जीएसएस की जांच जल्दी में जल्दी करवाई जाएगी और जगह ठेकेदार ही बाकी पूरी तरीके जांच करी जाएगी। ये जो बाहर वाला तार है ना, ये अंदर भी क्रॉस के ऊपर गिर गया। अब सुनो आप एक ये जो स्टेप वायर ये वी क्रॉस के नहीं लगता है, ये नीचे चैनल है ना, इलेवन का कंट्रोल नीचे वाले चैनल है, इसके ऊपर स्टेप वायर कट गया ना, वो अलग अलग हो गए। आज हम मौके पे आए हैं, क्या किया आपने? 16 तारीख को शाम को बिजली करंट से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका हाथ चला गया है। उसकी हमें शिकायत जो ही हमने शिकायत की इंक्वायरी हमने गठित कर दी है। दो एक्सीडेंट कल इंक्वायरी करने भेज दिए थे। इसके संबंध में निगम के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। जो भी कर्मचारी डिफॉल्टर हैं उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करेंगे। नियम अनुसार जो मुआवजा बनता है वो हम इसको मुआवजा दिलाएंगे। सर कार्रवाई कुछ हादसा होने के बाद ही क्यों होती है? 4 साल से लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायतों पर आज इस बच्चे का एक हाथ जा चुका है। ये 4 साल से जो शिकायतें हुई हो रही हैं, जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। हर आदमी की जो जिस चीज़ की जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और जो भी डिफॉल्टर है उसके अनुसार उनके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई। सर निगम में यही नहीं है ना, तो निगम किसी भी आरटीआई का जवाब देता है और जिले में कुल 199 जीएसएस हैं, किसी एक पे भी आरटीआई होल्डर व्यक्ति नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है जिम्मेदारी भी कि आप चेक करें सभी को। जीएसएस की जो है वो हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, उसमें 2 आरटीआई होल्डर लगा रखे हैं, बार बार उनकी इंक्वायरियां करवा रहे हैं। जहां भी कोई कमियां मिली हैं उसको हम दुरुस्त कर। पंजाब केसरी ने खुद एक सर्वे किया है पिछले 10 दिनों में, हमारे पास 10 से 15 वीडियो हैं जिसमें एक भी कर्मचारी आरटीआई होल्डर नहीं है। कोई 8वीं पास है, कोई 7वीं पास है, कोई अनपढ़ है और प्रत्येक जीएसएस में एक ही व्यक्ति लगा रखा है। उसकी नियम अनुसार आप आरटीएम कागज मांग सकते हैं। आपको इस दुर्घटना के बारे में जो जानकारी लेनी है रणवीर जी, तो आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे जो संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी होंगे? जो भी डिफॉल्ट होगा उसके नियम अनुसार उसको अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। उसमें सस्पेंड भी हो सकते हैं, चार्जशीट भी हो सकते हैं, उसके संबंध में उसको दिया जाएगा, वो लिख के आज ही कार्रवाई करेंगे। जैसा आपकी बहुत बड़ाई सुनी है, अभी आप कुछ दिनों पहले गुड़ा भी गए थे किसी कानबेली मोहल्ले में, तो आपसे जनता को बहुत आस है कि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कुछ भला होगा जनता का बिजली विभाग को लेकर। मैं जो निगम के जो रूल्स वगैरह है उसके अनुसार पूरी कार्रवाई करूंगा और मेरे से जो बनेगा उसको ज्यादा से ज्यादा। जी सर, धन्यवाद।